शहर के पानीगेट स्थित आए हुए जीबी सब स्टेशन में आज अधिकारी द्वारा ज्यादा बिल की शिकायत करने गए वैसे ग्राहक के साथ गैर बर्ताव करने की घटना प्रकाश में आई है। शहर के पानीगेट जीबी सब स्टेशन एक बार फिर विवाद में फंसा है, जिसमें खाटकीवाड़ा मटन मार्केट के पीछे गुलाम रसूल रहीम भाई के बंद मकान में 15,000 से भी अधिक का बिल आते हुए आज मकान मालिक वैसे ग्राहक द्वारा पानीगेट जीबी सब स्टेशन में अर्जी की गई, तो वहीं जीबी द्वारा मीटर लेबोरेटरी में चेक करवाने के बीच यहां पर भी मीटर में फॉल्ट होने की जानकारी प्राप्त हुई थी, जिसका सर्टिफिकेट भी ग्राहक को दिया गया था। बावजूद 15,000 का भारी रूपए का बिल आते हुए आज ग्राहक द्वारा जीबी सब स्टेशन में शिकायत करनी चाहिए, जहां यहां पर कर्मचारी वैसे अशफाक शेख नामक कर्मचारी ने ग्राहक के पास उनकी बात और रजूआत को सुने बिना ही पहले 4,000 रूपए दे वैसी मांग करते हुए गैर बर्ताव किया था, जहां 4,000 रूपए किस लिए दिए जाए वैसे सवाल पूछने पर आवेश में आकर अशफाक शेख द्वारा अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर गैर बर्ताव करने की आरोप लगाते हुए आज ग्राहक ने मीडिया के समक्ष अपनी नाराजगी और रजूआत को व्यक्त किया था। जी अमारू मार्च महीना थी लेने फेब्रुआरी मार्च एप्रिल महीना जो बिल आयु थू जेमा 1500 रीडिंग ने आसपास रीडिंग आया था, जेने अमार दर महीने 200-250 रीडिंग थी वधारे रीडिंग आवता नथी। तो अमे जे 1500 रीडिंग आया जेने लेने अमे अधिकारी ने जीबी ऑफिस में पानीगेट आईने जाण करी के साहेब अमारा 1500 रीडिंग आया छे, तमे आटलू बधुं बिल आव्युं नथी अमारुं, तो एमने एवुं कीधुं के तमारा मीटरमां प्रॉब्लम हशे, तो जेने लेने तमारुं मीटर चेक करावुं पड़शे लेबोरेटरीमां। तो अमे एवुं कीधुं साहेब चेक कराई लो, तो भाई अमारुं मीटर अधिकारी लई जईने नवलखी मैदान खाते छे जीबी ने ऑफिस आवेली है, तमे अमे तई जईने रीडिंग चेक करायुं, रीडिंग जे लोगो मीटर चेक कर्युं त्यारे एमां फॉल्ट जणाई आवेल छे के भाई मीटर नी अंदर कई जम्प थई गयेल छे, जेना कारणे तमारुं रीडिंग वधारे फरी गयेल छे। तो अधिकारी तेमथी अमने सर्टिफिकेट बनावीने आप्युं छे के आ मीटरमां फॉल्ट छे, ત્યારબાદ એમને તઈથી એવું કહેવામાં આવ્યું હતું કે આ મીડાર સર્ટિફિકેટ લઈ જઈને તમારા પાણીગેટ સબ સ્ટેશનમાં આપી દેજો એમજીવીસીએલની ઓફિસમાં, તો તમારું આશરે જે રીડિંગ બનાવીને તમારું મીટર જે આવે છે દર મહિને બિલ એના આધારે તમારું નવું બિલ બનાવી આપશે તમે, ત્યારે આજ રોજ અમને બિલ માટે જણાવવામાં આવ્યું કે ભાઈ મારો ભાઈ બતાવવા માટે આવ્યો કે ભાઈ મારું બિલ ભરી આપો સાહેબ, તો એ ભાઈને એવું કહેવામાં આવ્યું કે તમે પહેલાં 4,000 રૂપિયા ભરી દો ત્યારબાદ તમારો નિકાલ થશે આગળ, તે મારા ભાઈને એવું મને ફોન કર્યો કે મારે શું ભાઈ આવું 4,000 રૂપિયા માંગણી કરે છે, મેં આઈને સાહેબને એવું કીધું સાહેબ અમારું 1500 રૂપિયાથી વધારે બિલ આવતું નથી, તમે 4,000 રૂપિયા સેના માંગી રહ્યા છો 2 મહિનાનું બિલ, તો એવું કહે છે કે તમે 4,000 ભરશો તો તમારું કામ આગળ વધશે, અને જ્યારે અમારી સાથે અભદ્ર રીતે વાત કરવામાં આવી અને સાહેબ જે ટેબલ ખુરશી પર લાંબા ટાંટિયા કરીને બેસેલા હતા પગ લઈને તમને એવું ખાલી સીધી રીતના વાત કરી સાહેબ 4,000 મારે ભરવાની